ओ भाई तो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे कुंजवानी से। तो मेरा फ्रेंड है यहाँ पे जो डांस कर रहा है अपनी बाइक पे। एक्चुअली हमारे बाकी के जो दोस्त हैं वो सब आगे वे मॉल के पास वेट कर रहे हैं, तो सीधा वहाँ पे चलते हैं एंड वहाँ से मैं अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ अपने फ्रेंड्स के पास। यहाँ पे देख लो इनके पास कौन कौन सी बाइकें हैं। RS है, R15 है, ड्यूक 250, और ये मेरा दोस्त रॉबिन गिल मोटो व्लॉग्स। तो अभी यहाँ से करनी है हम लोगों ने राइड स्टार्ट, सिद्रा की तरफ जाना है हमने। तो भाई आज फुल पावर खींचने वाले हैं हम लोग बाइक्स को, पूरा थ्रॉटल पुल। बाय द वे मेरा ABS ऑफ है। तो एक्चुअली मेरी वीडियो पे एक बंदे ने कमेंट करा था कि आप लोग 130 के ऊपर जा रहे हो बाइक्स पे विदाउट प्रॉपर गेयर्स। तो एक्चुअली भाई देखो हम हेलमेट वगैरह डाल के चलाते हैं, पैंट शूज़ तो हमारे पास होते हैं, इतनी गर्मी में भाई राइडिंग जैकेट लगा ही नहीं जाती। तो हाँ ग्लव्स की बात थी, तो एक्चुअली अब मैंने ग्लव्स वगैरह डाल लिए। एंड जो बाकी बंदे होते हैं हमारे साथ भाई, वो कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे ग्रुप के नहीं होते हैं, तो मोस्टली मैं रैंडम बंदों के साथ राइड करता हूँ। मेन यहाँ पे अभी हेलमेट ही रहता है क्योंकि सब लोग राइडिंग जैकेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ओ भाई सो ये पहले आ गया ड्यूक 250। भाई ड्यूक को नहीं कैच कर सकता मैं यार, बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा गैप बन जाता है। ओह बंदा घुस गया था अंदर। एक मिनट फिर से करते हैं। सो गाइस फिर से मैंने जो है ड्यूक के साथ रेस लगा ली है कॉर्नर्स पे। क्या है कि बंदा कर सकता है कम्पीट, बट जैसी स्ट्रेट रोड आती है तो बंदा आगे नहीं निकल सकता ड्यूक 250 से। ये देखो अभी स्ट्रेट रोड आई भाई, ये मेरे से आगे। क्या बात है यार। तो सबसे पहले स्टंट पॉइंट पे वेट करते हैं बाकी सब लोगों का। तो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइक्स जमा हो गई हुई हैं। RS है, ड्यूक है, MT है, R15, NS। तो इन सब की ड्रैग रेस लगाते हैं यहाँ पे, काफ़ी खुला स्ट्रेच है। सो यहाँ पे एक ड्रैग लगाते हैं एंड देखते हैं कौन विनर रहने वाला है। वैसे ड्यूक 250 तो ऑब्वियसली जीतने वाली है, बट स्टिल लेट्स ट्राई। तो अभी सीरियसली भाई ऐसा हुआ है कि मैं सबसे आगे था एक्सेलरेशन में, क्योंकि जो ड्यूक 250 थी उसका लॉन्च थोड़ा सा लेट हुआ, बट RS से सबसे ज़्यादा आगे रही है। एंड RS बिल्कुल मेरे साथ चल रही थी, एट द एंड वो थोड़ी सी आगे निकल गई, बट जैसे ही लिमिटर आया ना, ये 144 की आई थिंक, वो भी 148 तक गई होगी। लिमिटर आने के बाद MT आगे निकल गया क्योंकि उसका लिमिटर सीधा 139 तक फेंकता है RS का। तो टॉप एंड में आगे निकल जाती है, बट काफ़ी अगर तुम स्प्लिट स्ट्रीम करोगे तब ऐसे निकलेगा, वरना ये निकलने नहीं वाला आगे। MT ऐसे बिल्कुल ही निकलने वाला RS से आगे अगर तुम स्प्लिट स्ट्रीम नहीं करते, क्योंकि इसका लिमिटर जो है वो काफ़ी टाइम बाद आता है। 144 में बाइक चलती रहेगी एंड उसके बाद लिमिटर आएगा। तो अभी काफ़ी देर रुकने के बाद, ओ भाई भाई क्या ही तो कॉर्नर करा है मैंने, पूरा गैप खत्म कर दिया एक ही कॉर्नर पे।
भाई